भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के NIRC के कानपुर चैप्टर द्वारा मंगलवार को होटल कैप्सूल रेस्टोरेंट सिविल लाइन्स कानपुर में कानपुर चैप्टर का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में अंतरिम बजट 2024 पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि CS प्रदीप कुमार निगम, मुख्य वक्ता CA दिनेश चंद्र शुक्ला मौजूद रहे। CS रीना जाखोदिया अध्यक्ष भारतीय कंपनी सचिव संस्थान कानपुर चैप्टर ने सभी आए हुए अतिथियों, सदस्यों और सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए 51वें स्थापना दिवस की बधाई दी। कानपुर चैप्टर की स्थापना 6 फरवरी 1974 को हुई थी। कार्यक्रम में CS आशीष बंसल, CS मनीष कुमार पाल, CS ईशा कपूर, CS वैभव अग्निहोत्री, CS जागृति मिश्रा, CS मनीष शुक्ला, CS राकेश श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद रहे। इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कानपुर चैप्टर का ये बजट के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस पे चर्चा विस्तृत चर्चा हो रही है। सर, अगर बात की जाए तो जो नया बजट आया है वो किस तरह से MSME या CS के लिए बेनिफिशियल है और आम जनमानस के लिए किस तरह से बेनिफिशियल होगा, इसके बारे में? देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो इस बजट अभी आंतरिक बजट था, अंतरिम बजट था, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोविजंस इस बजट में नहीं आए हैं। जैसा कि अनाउंस किया है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है कि जब अगली सरकार आएगी उसके बाद ही पूरा बजट आएगा, लेकिन इस बजट में 3-4-5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो औद्योगिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो दूसरा है डिजिटलाइजेशन और दूसरा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है। इसी वजह से होगा इंडस्ट्रीज़ को हमारे प्रमोशन मिलेगा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो बढ़ेगा और देश में और तरक्की बढ़ेगी तो उसके बाद स्वतः रूप से जो सबको सेल्फ काम मिलेगा और कंपनी सेक्रेटरीज का रोल नॉर्मली कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथ जुड़ा रहता है और कॉरपोरेट हम सब चाहते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। इस दिशा में जब तेज़ी आएगी, जिस दिशा में सरकार काम भी कर रही है, तो हम सबका काम भी बढ़ेगा और देश की प्रगति भी होगी। मैं रीना जाखोरिया, चेयरपर्सन कानपुर चैप्टर ऑफ ICSI का आज 51वें फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है यहाँ पे होटल कैप्सूल में। यहाँ पे हम लोग ने फाउंडेशन डे के साथ बजट सेशन का भी इंतजाम किया है। प्रोग्राम अपने मेंबर्स के लिए रखा हुआ है डीमेटरलाइजेशन, जैसे कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि सारे शेयर्स डीमेट फॉर्म में होने चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने स्टॉक होल्डिंग के साथ मिलके अपने मेंबर्स को डीमेटरलाइजेशन के अपडेशन की जानकारी के लिए ये प्रोग्राम रखा है। कानपुर नगर से प्रातः दर्पण न्यूज के लिए संवाददाता प्रवीण सिंह चंदेल की रिपोर्ट।